हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं करने वाली हूँ अल्ट्रासाउंड पेस्ट रिपेलर की रिव्यू। आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे अल्ट्रासाउंड पेस्ट कंट्रोल मशीन्स के बारे में, और इसके बारे में पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मौजूद है जो बताता है कि ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको लेना भी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इसका एक साल की यूज़ के बाद बताने वाली हूँ कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। मैं आपको बताऊँगी कि इसका यूज़ कैसे करें, कौन से केस में ये फ़ायदा देता है और किस केस में ये बिल्कुल बेकार है। आपने अगर YouTube पे बहुत सारे वीडियोस इसके किसी काम का ना होने के बारे में देख लिया है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने इसको नया नया खरीद ली है और ये कोई काम की नहीं है ये सोच के इसको फेंकने वाले हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस आपने सड़क पे पेडलर्स को बेचते देखे होंगे। उनका दावा होता है कि ये घर में किसी प्लग पॉइंट पे लगा देने से आपके घर से सारे पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह चले जाएंगे। अमेजन ये दूसरे ऑनलाइन साइट्स पे भी ये बहुत सारे बिकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा और फिर मशीन के सामने ही कीड़े मकोड़े घूमते हुए नज़र आए। फिर उन्होंने वीडियोस भी बना दी कि ये मशीन्स बिल्कुल बेकार है और इनको नहीं लेना चाहिए। ऐसी वीडियोस देख के बहुत लोग इन मशीन्स को कुछ दिन यूज़ करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। पर आज मैं आप लोगों को एक साल की मेरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। फिर शायद आपको इसे यूज़ करना आ जाएगा और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, मेरे घर में चिपकली, मकड़ी, कॉकरोच, मच्छर और चींटी यानी एंट्स तो थे ही, उसके साथ साथ दीवारों पे गीमक भी लग गई। मेरे घर में रैट्स या किसी तरह के रोडेंट्स नहीं थे, मतलब चूहे वगैरह नहीं थे, तो उस पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकती। तो जब मेरे घर में इतने सारे पेस्ट के होने के बावजूद ऊपर से गीमक लग गया तो मेरी हालात ऐसी थी कि लगता था कि घर कीड़ों का ही है और मुझे शायद घर बेचकर चले जाना चाहिए। कुछ भी करके, कोई भी स्प्रे करके गीमक का कुछ नहीं बन रहा था। रोज़ मैं उनके घोंसले तोड़ देती थी और वो फिर वापस आ जाते। उस टाइम पे क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर रही थी इसलिए इसको भी अमेज़न से मंगवा ली। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंपनी की तरफ से पेड प्रमोशन कर रही हूँ तो आपका भरम अभी तोड़ देती हूँ। मैंने 2020 के एंड में ख़रीदी थी जिजली अल्ट्रासाउंड पेस्ट रिपेलर। अब एक साल बाद जब मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ तो ये कंपनी का रिपेलर है ही नहीं। ये रहा मेरी ओरिजिनल अनबॉक्सिंग वीडियो। इसमें जिस कंपनी का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो अब नहीं मिलता, आप दूसरे कंपनी का ले सकते हैं। दूसरे कुछ ब्रांड्स का लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, अगर किसी को लेना हो तो आसानी से ले सकते हैं, पर मैंने उन ब्रांड्स का यूज़ नहीं किया। मैंने इसको प्लग पॉइंट पे लगा दिया। पूरे साल मैंने एक जगह पे नहीं लगाई। मेरे 1000 स्क्वायर फुट के फ्लैट पे मैंने अलग अलग जगह पे ये मशीन लगाई है। कोशिश की कि एक सेंट्रल पोजीशन में लगाऊँ ताकि पूरे फ्लैट में इसका कोई इफेक्ट हो सके। इसको लगाने पे तीन कलर्स का लाइट जलता था, ब्लू, ग्रीन और रेड। बहुत ही हल्का और छोटा सा बॉक्स था। ब्लू लाइट तेज़ था और आप उसको बंद भी कर सकते हैं। पहले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, मच्छर भी इसके सामने भिनभिनाते रहे। मैंने सोची इसका कोई और काम ना हो, कोई बात नहीं, इसको एस नाइट लैंप यूज़ करके देखते हैं। थैंक गॉड कि मैंने इसको फेंक नहीं दी। मैं रात को इसको ऑन करके सो जाती थी और सुबह बंद कर देती थी। कुछ हफ्ते यूज़ के बाद मैंने देखी कि गीमक का फैलना बंद हो गया है। जिन दीवारों में गीमक लगा हुआ था वहाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स उड़ रहे होते थे, वो गायब थे। जिन दीवारों पे और लकड़ी के फर्नीचर पे गीमक लगा हुआ था मैंने फिर उन सबको साफ़ करवा लिया। साफ़ करवाते वक्त वहाँ पे एक भी गीमक या किसी तरह का इंसेक्ट नज़र नहीं आई। इसके बाद वो गायब हो गए। कुछ महीने बाद मैंने नोटिस की कि कोई खाने की चीज़ कहीं भी पड़ी हुई हो, चींटी नहीं आती। पहले एक चीनी का दाना भी गिर जाता था तो चींटियों का काफिला चल के आ जाता था उसको उठाने। मैंने खाने पीने की चीज़ों को खुला छोड़ के देखा, कोई भी चींटी नहीं आई। घर को अच्छी तरह से साफ, बाहर से कॉकरोच की एंट्री का रास्ते बंद कर दी। नालियों के ऊपर नेट वगैरह लगा दिया, बड़े कॉकरोच और नहीं मिले। अब कुछ बहुत छोटे छोटे लगभग बड़ी चींटी के साइज़ के ही सिर्फ कॉकरोच देर रात को नज़र आता है, वो भी सिर्फ 1-2 बजे, नींद खुल जाए तो दिखता है।
पर मच्छर नहीं गए ये बताना पड़ेगा। उसके लिए मच्छरदानी यानी मॉस्क्यूटो नेट ही भरोसा है। शायद मच्छर बाहर से दाखिल होते हैं और भाग सकते हैं, इसलिए वो आते जाते हैं। यही बात मैंने डिस्कवर की। ये मशीन एक दिन या हफ्ते में काम नहीं करता। इसका अल्ट्रासोनिक वेव या फिर जो भी इसका एक्शन है वो कुछ दिन कंटिन्यूस यूज़ के बाद ही वर्क करता है। शायद इसकी अल्ट्रासाउंड कीड़ों को डिस्टर्ब करता है और कीड़े फिर कुछ दिन बर्दाश्त करके फिर चले जाते हैं। कीड़े भाग जाते होंगे क्योंकि किसी कीड़े का मुझे कोई डेड बॉडी नहीं मिली। एकदम काम नहीं होता है तो स्पाइडर्स पे, मेरे घर में स्पाइडर्स जितने थे उतने ही हैं। शायद स्पाइडर्स पर इनका असर नहीं होता। इसके अलावा जनरली देखें तो आज एक साल और ऑलमोस्ट एक महीने के यूज़ के बाद मेरे घर के पेस्ट्स यानी कीड़े मकोड़े 90% से भी कम हो गए हैं। चिपकली है पर बहुत कम है, पहले जैसे नहीं है। तो ये स्लो काम करता है पर परमानेंट काम करता है। हो सकता है कुछ और साल ये लगा रहे तो चिपकली और स्पाइडर्स भी चले जाए। जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिया है शायद उनको नहीं समझ आया कि ये अल्ट्रासाउंड है, बेगोन स्प्रे या मच्छर मार अगरबत्ती नहीं है। ये अचानक से कीड़ों को नहीं मारता। इसका अल्ट्रासाउंड कीड़ों के लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाता है और वो खुद ही धीरे धीरे चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। अगर आपका पड़ोसी आपको तंग करने लगे तो आप कुछ दिन टॉलरेट तो कर लेंगे, अगर ये चलता ही रहा और बढ़ता जाए तो कुछ दिन बाद आप तंग हो जाएंगे और कहीं और घर ढूंढ लेंगे। स्पेशली अगर पड़ोसी ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। इंसेक्ट्स को इससे कोई साउंड सुनाई देता होगा जो इनको बॉदर करता है। वो अचानक तो नहीं जाते पर धीरे धीरे चले ही जाते हैं। अगर आपने ऐसा कोई मशीन खरीद दिया है और उसको फेंक देने का सोच रहे हैं, ये सोच के ये किसी काम का नहीं है तो रुक जाएं। इसको किसी पॉइंट पे लगा रहने दे। मेरा मशीन अब भी काम कर रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, नहीं कुछ ज़्यादा कोई बिजली का बिल आता है। मैं रात को चला देती हूँ, सुबह बंद कर देती हूँ। रोज़ एवरेज 12 घंटा चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस चैनल में आपको जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेगा, वो भी हफ्ता नहीं सालों यूज़ के बाद। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी दूसरों को भी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना। आप देख रहे थे व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।